पात्रा सबसे पहले आपका रुख करते हुए छह घंटे तकरीबन ये मंथन चला आज इस मंथन के बाद निकला क्या प्रकाश डाल पाएंगे देखिए अर्पिता जी सबसे बड़ी बात है कि छह घंटे तक भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से देश के विभिन्न कोनों से जुड़ते हुए मंथन कर सकती है ये अपने आप में एक बड़ा विषय है आप देखिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति आप देखिए ये मंथन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में हो नहीं सकती है मंथन होता है तो वहां टमाटर की मार होती है मैं तो पहले धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से ये मंथन करती है यह भी अपने आप में केस स्टडी है दूसरा विषय है इसमें से निकला क्या सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इसमें से निकला वो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद आज खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सर्वाधिक महत्व कार्यकर्ता को दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो यूपी का हो चाहे वो मणिपुर का हो पंजाब का हो गोवा का हो किसी भी क्षेत्र का हो जो कार्यकर्ता है जिस प्रकार से कोविड काल में उसने अपनी जीवन की परवाह करते बगैर वो सड़क पे निकला जिस समय से उसने राशन बांटने आरंभ किया क्योंकि दो करोड़ से अधिक राशन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी बांटे हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया सौ करोड़ वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई क्योंकि यह अपने आप में पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करता है अपने आप में एक केस स्टडी बन के उभरा है और एक पुस्तिका के रूप में जिस प्रकार पूरे विश्व ने इसको सराहा है उस पर भी चर्चा हुई है अनेकों और विषय हैं है, और पांचों राज्य जो चुनाव में जाने वाले हैं उनके मुख्यमंत्री उनके अध्यक्ष यानी, उन्होंने अपने राज्यों में जिस प्रकार का काम अगर एक एक शब्द में समझें तो शायद विकास को लेकर ही आप उतरने वाले हैं मैदान में स्वाभाविक रूप से ये दो वर्ष जो रहे हैं देश में बड़े संकट के वर्ष तो, रहे तो हम ये भी मान रहे हैं कि आने वाले, वाले हमारे चुनाव होंगे जब रैलियां शुरू होंगी तो विकास ही मुद्दा होगा इधर उधर की बयानबाजियां नहीं होंगी ठीक है मैं आ रही हूँ अब दुबे साहब देखिए बीजेपी तो ये कह रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम तो ऐसे कार्यकारिणी मतलब ऐसी बैठकें करते भी हैं लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता आपकी तैयारी कहाँ है सर और क्या कहेंगे आज की राष्ट्रीय जो बैठक कार्यकारिणी की हुई है उसको लेकर अर्पिता जी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मूल मंत्र दिया सेवा परमोधर्म जबकि समूचा देश सात वर्ष में जान गया है कि इनका एकमात्र धर्म है वो है सत्ता परमो धर्म राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रजातंत्री व्यवस्था की बात कर रहे थे समित पात्रा जी कैसे समाधान निकाला वो मुखर लोग वो दो मुखर लोग जो राष्ट्रित के मुद्दे उठाते थे वरुण गांधी और मेनका गांधी जी उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया मुद्दे क्या उठाते थे वो उठाते थे कि किसानों के साथ बरबर व्यवहार हुआ उनको रोंद कर लखीमपुर में ये नहीं होना चाहिए था वो मुद्दे उठाते हैं कि आदित्यनाथ जी सत्रह जिलों में किसानों ने फसलें जला दी है धान खरीदा नहीं जा रहा है वो मुद्दा उठाते थे कि प्रधानमंत्री जी जो छह हजार रुपए प्रधानमंत्री सहायता निधि दे रहे हैं वो अपर्याप्त है क्योंकि आपने पच्चीस हजार रुपए प्रति हेक्टेयर लाख बढ़ा दी वो मुद्दा उठाते थे, थे कि धान और गेहूं में पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हो वह मुद्दा उठाते थे, थे कि चार रुपए प्रति क्विंटल आदित्यनाथ जी आपने कमिट किया था गन्ना के किसानों का दो तो उनको उठाकर बाहर कर देते बड़ी बड़ी नैतिक मूल्यों की बात की अभी इनकी जो रिपोर्ट एनएसएसओ की आई उसमें बताया कि एक किसान की आमदनी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत आमदनी छब्बीस रुपए सुनसठ पैसे मात्र रह गई शर्म नहीं आई चौहत्तर हजार रुपए का औसत कर्ज हिंदुस्तान के किसानों पर हो गया नौ लाख बावन हजार आठ सौ उन्यासी लोगों ने सात साल में आत्महत्या की जवाब ले लूं फिर अनुराग भदौरिया आ रही हूं आपके पास ठीक है एक सौ उनतालीस प्रतिशत डेली वेजर्स ने आत्महत्या ठीक है यानी अभय उभ सीधे तौर पर देखिए संबित पात्रा ये पूछ रहे हैं कि अगर आप साल में पच्चीस रुपए एक तरीके से लगा ले पच्चीस रुपए अगर बढ़ाते हैं पेट्रोल डीजल में उसके बाद पांच रुपए और दस रुपए अगर आप कम करते हैं डीजल और पेट्रोल में तो इसको किस तरीके से आप इसी को लेकर चुनाव उतरेंगे या आज इसको लेकर भी चर्चा और मंथन हुई है कि आने वाले दिनों में कुछ और राहत आम जनता को मिलेगी या सिर्फ यही पांच और दस रुपए का ही एक एक तस्वीर लेकर आप चुनावों में उतरने वाले? देखिए अर्पिता जी अभी अभय दुबे जी ने सही कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई है उसका मूल मंत्र था सेवा परमो धर्म कम से कम कांग्रेस की तरह मेवा परमो धर्म तो नहीं था सेवा तो इनके खून में है नहीं मेवा ही परम धर्म हर विषय से मेवा कमाना हर विषय में भ्रष्टाचार करना ये हमारा धर्म नहीं है उससे हम कोसों दूर रहे हैं ये अपने आप में एक बड़ी बात है दूसरी बात है इन्होंने किसानों के विषय में कहा देखिए अर्पिता जी ऐसा नहीं था कि 2014 से पहले किसानों की स्थिति भारत वर्ष में एकदम सोने जैसे थी और मोदी जी आए और किसानों को खराब कर दिया पहली बार हिंदुस्तान में किसानों को डीबीटी के माध्यम से जिस प्रकार से दो हजार रुपए पर क्वार्टर भेजा जाता है छह हजार रूपये प्रतिवर्ष भेजा जाता है और अब तक तो किसानों का समय से बैठे हों ये भी तो पहले नहीं हुआ है ना ये भी तो अभी हो रहा है कि किसान लगातार अपनी बात को लेकर डटे हुए हैं। नहीं अर्पिता जी शायद नहीं नहीं अर्पिता जी शायद आपको थोड़ी सी गलत फहमी है किस प्रकार से किसानों को लेकर गोलीबाजी होती थी मध्य प्रदेश में हुआ था किन स्थानों में हुआ था कितने लोग मारे मध्यप्रदेश तो में यह आपकी सरकार थी दूसरा विषय नहीं 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 मनसोर का नहीं बता रहा हूँ मनसौर में आप हमने आप इस तर सरकार पूरी तरह से एक विवरण रखा था कि किस समय मध्य मध्य प्रदेश में इससे पहले दिग्विजय जी के समय किस प्रकार आज, की रखा था में नहीं बोला था अर्पिता जी इस प्रकार अगर सब लोग एक दूसरे बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट संदेश जाना चाहिए अभयुभ जी अपने बारे में बोलिएगा समित पत्र जल्दी से कम्प्लीट कीजिए अनुराग भदौरे के पास भी जाना है मेरा सीधा सवाल आपसे ये है पहले आप इस पर जवाब दे दें मैं आपसे चाहूंगी किस पर आप जवाब पेट्रोल डीजल के दाम क्या ये, और और कम कम तो क्या ये पांच और दस रुपए जो कम हुए हैं क्या यही एक बड़ा मुद्दा है इतने से, इतने से ही संतोष कर तो ले आम जनता और इसी को सोचकर अब वोट करने जाए ठीक है पहले किसानों का मुद्दा पूछा था एलानाबाद हरियाणा में देखिए वो किसान प्रधान क्षेत्र है किसानों के मुद्दे पर ही चुनाव हुआ जितनी वोट हमें पिछली बार मिली थी उससे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिली और हमने जीत दर्ज किया है किसानों के मुद्दे पर हरियाणा का उपचुनाव लड़ा गया था याद रखिए भारतीय जनता पार्टी की वो यह, क्या? यह भी पूरे हिंदुस्तान ने देखा है हरियाणा में अभी भी तो उपचुनाव हुआ